हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश मवार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं राइट वैल्यू प्रॉपर्टीज में। राइट वैल्यू मेक्स यू हैप्पी। दोस्तों, राइट वैल्यू प्रॉपर्टीज एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर हर तरह की प्रॉपर्टीज आपको मिलने वाली हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर योगेश कुमार के नाम से मेरी आईडी है, आप मुझसे वहां भी कनेक्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम इस 3 BHK फ्लैट की जिसे हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, इस फ्लैट के एरिया की बात करूं तो 120 गज ऑन पेपर आपको ये मिलता है। स्लैब एरिया की बात करूं तो लगभग आपको ये 135 गज के आसपास आपको स्लैब एरिया मिल रहा है इसमें। और यहां से अगर नियर बाय मेट्रो स्टेशन की बात करता हूं तो मैं द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन सिर्फ आपको यहां से 150 मीटर की दूरी पर मिल जाता है। दोस्तों, और अगर स्कूल्स की बात करूं, हॉस्पिटल्स की बात करूं, मार्केट की बात करूं, सारी चीजें यहां पे मिलने वाली हैं। रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, किसी भी तरह की दिक्कत आपको नहीं आएगी, लोन आपको प्रोवाइड हो जाएगा। 25 फीट की वाई रोड आपको मिलती है यहाँ पे, और गेटेड सोसाइटी है, गार्ड फैसिलिटी आपको मिलती है। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, मैं आपको इस फ्लैट की एक छोटी सी विजिट कराऊंगा। और आप देख सकते हैं ये हमारे फ्लैट की एंट्री। यहाँ पर आपको अगर मैं बात करता हूँ गेट की, तो काफ़ी ज़्यादा हैवी क्वालिटी का गेट यहाँ पे लगाया गया है, और इसकी थिकनेस मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कितना बड़ा चौड़ा गेट है ये। और इसमें आप देखेंगे तो लॉक सिस्टम आप देखेंगे काफ़ी बेस्ट क्वालिटी के लॉक सिस्टम है, यानी कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेस्ट है। और इसमें एक यहाँ पर भी छोटा सा गेट दिया गया है कि अगर आपके घर में कोई भी आता है गेट पर तो आपको पूरा मेन गेट खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप ये छोटे वाला गेट खोलिए और आइडेंटिफाई कर लीजिए कि उसके लिए गेट खोलना है या नहीं खोलना है, क्या काम है। दोस्तों, यहीं से हमारी एंट्री आप देख सकते हैं हमारे लिविंग रूम में हुई है। लिविंग रूम के साइज़ की अगर मैं बात करूं तो ये 12x16 का आपको लिविंग रूम मिलता है, काफ़ी स्पेशियस, काफ़ी अच्छा, बेहतरीन। और टाइलिंग इस फ्लैट के अंदर हमने कुछ अलग तरह की टाइलिंग की है, 32x64 की हाई क्लॉस विट्रीफाइड टाइल यहाँ पे लगाई गई है। दोस्तों, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की टाइल होती है, आप देख सकते हैं। और उसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर काफ़ी बड़े साइज़ का LED पैनल आपको मिलता है, किसी भी साइज़ का TV आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं, प्लेसमेंट की दिक्कत नहीं है, डेकोरेटिव आइटम्स आप रख सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है, ब्लैक और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर मिलता है। और उसी के साथ आप देखेंगे तो हम आपको 3D बेस्ट क्वालिटी का 3D वॉलपेपर यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छा गेटअप दे रहा है, काफ़ी इस लिविंग रूम की जो क्वालिटी है या इसका लुक है उसको इनहेंस कर रहा है। और उसी के साथ मैं आपको बता दूं तो इस लिविंग रूम के अंदर जो इसकी ब्यूटी है वो है इसकी फॉल सीलिंग डिज़ाइन। दोस्तों, काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव फॉल सीलिंग डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया है, और उसी के साथ जो सीलिंग लाइट्स लगाई गई हैं और जो टॉप लाइट्स लगाई गई हैं वो इस लिविंग रूम की खूबसूरती को 4 चांद लगा देती हैं। दोस्तों, सेंटर में आप यहाँ पर सैंडलेयर लगा सकते हैं और साइड में आप फैन लगा सकते हैं दोस्तों। और यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर आपको मिलता है स्प्लिट AC का प्रोविज़न, यानी कि सिर्फ आपको इंडोर और आउटडोर यूनिट इंस्टॉल करनी है। सारी फिटिंग्स हम आपको ऑलरेडी करके दे रहे हैं दोस्तों। इसके बाद मैं आपको लेकर चलूँगा हमारी किचन के अंदर। किचन काफ़ी स्पेशियस है, देखकर आपका दिल खुश हो जाने वाला है। सुपर लग्जरी फ्लैट की एक सुपर लग्जरी किचन आपको देखने को मिल रही होगी यहाँ पर। अगर मैं इस किचन के साइज़ के बारे में बात करूँ तो 12x10 के साइज़ की, बिग साइज़ की किचन आपको यहाँ पे मिलती है दोस्तों। और जो इसको डिज़ाइन किया गया है वो बेहतरीन तरीके से किया गया है, किसी भी तरह की कोई छोटा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ आपको इस किचन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर डबल लेयर इटालियन मार्बल की आपको स्लैब मिलती है, हाई ग्लॉस है ये बिल्कुल। और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले इसमें मेरा ध्यान गया था IGL गैस पाइपलाइन की फिटिंग हम ऑलरेडी करा के दे रहे हैं, यानी कि सिर्फ आपको कनेक्शन लेना है अपने नाम से। और यहाँ आप देख सकते हैं चिमनी,
चिमनी इस फ्लैट के अंदर हम लगाकर दे रहे हैं। और आप इसकी थीम अगर देखना चाहेंगे तो मैं बता दूं कि ग्रे कलर इसमें हमने यूज किया है, डार्क ग्रे और लाइट ग्रे का कॉम्बिनेशन आपको इस किचन के अंदर देखने को मिलने वाला है दोस्तों। और यहाँ पे भी आप टाइलिंग वर्क भी देखेंगे तो 2x2 की हाई ग्लॉस विट्रीफाइड टाइल हमने यहाँ पे लगाई है, जो कि किचन की ब्यूटी को इन्हेंस करता है और साफ सफाई करने में किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। और ये चीज आप देखिए, पेंट्री काफी बड़े साइज की पेंट्री आपको मिलती है, इसमें स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अभी हमने इस तरीके से रखा है कि आपने जब आएंगे यहाँ पे तो उस हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं कि किस चीज़ के लिए आपको ये यूज़ करना है। यहाँ पे भी आपको ड्रॉ मिल जाते हैं, काफ़ी सामान रखने का स्पेस। और ये सेंटर पे ओवन के लिए स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है, माइक्रोवेव या ओवन जो भी आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं आसानी से लगा सकते हैं दोस्तों। और इसी के साथ में मिलता है आपको फ्रिज स्पेस, यानी कि आसानी से साइड बाई साइड का फ्रिज आप यहाँ पे लगा सकते हैं। स्विच एंड सॉकेट यहाँ पे आपको मिलता है, और उसी के साथ ये वॉशिंग एरिया, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे तो हैंडमेड की सिंक हम लगा कर दे रहे हैं। दो सिंक हमने लगाई है ताकि आपको आपके बर्तनों को साफ करने में किसी तरह की दिक्कत ना आए दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये किचन आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ये फ्लैट भी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा हमारा कॉमन वॉशरूम। लिविंग के साथ में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम की साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो 5x6 का ये वॉशरूम है, काफ़ी अच्छा साइज़ है। और यहाँ पर भी हमने एक ग्रे थीम फॉलो की है, ग्रे कलर की टाइल्स आप देख सकते हैं, 2x4 की हमने पूरी रूफ तक लगाई हुई हैं। और यहाँ पे जितनी भी सैनिटरी आइटम्स की फिटिंग्स आप देख रहे हैं सभी जैगुआर फिटिंग आपको मिल रही है, यानी कि इस फ्लैट के अंदर कोई भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है, ब्रांड्स यूज़ हुए हैं। और यहाँ पे भी आपको वॉल हैंगिंग सीट आपको मिलती है, ये भी ब्रांडेड है। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है आपका वॉश बेसिन, काफी ज्यादा स्पेस है और किसी भी तरह की आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा इसके अंदर। और इसी के साथ मैं आपको लेकर चलूंगा हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ, जो कि इसी के साथ में आप देखेंगे किचन के साइड से निकलते हुए हम यहाँ पे फर्स्ट बेडरूम में पहुंच जाते हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छे साइज़ का फर्स्ट बेडरूम, इसके बाकी के दो बेडरूम ज़्यादा बड़े हैं, ये नॉर्मल साइज़ का रूम है। यानी कि अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ तो 11x11 का ये रूम आपको मिलने वाला है। और कमाल की बात ये है कि वार्डरोब आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की वुडन यहाँ पे हमने लगाई है, स्लाइडिंग वार्डरोब मिलती है, यानी कि सामान रखने में किसी तरह की प्रॉब्लम आपको यहाँ आने नहीं वाली है। और ये आप जो देख रहे हैं, जो भी हमने इसमें बोर्ड यूज़ किए हैं वो HDMC क्वालिटी के बोर्ड हैं, जो कि काफी अच्छी बेस्ट क्वालिटी मानी जाती है। डीमक लगने की प्रॉब्लम इस वुडन में, इस लकड़ी में नहीं आती है किसी भी तरह की। और ये देखिए आपको एक डिजाइनर वॉल मिलती है यहाँ पे, डिजाइनर वॉल जितने भी रूम है हमारे या लिविंग रूम है उन सभी के अंदर हमने 3D वॉलपेपर लगाए हैं जो कि बेस्ट क्वालिटी के हैं। और इस रूम के साथ यहाँ पे शाफ्ट एरिया आपको मिलता है, यानी कि वेंटिलेशन के लिए आपको स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। इस रूम के अंदर हमने 2x4 की हाई ग्लॉस विट्रीफाइड टाइल लगाई है, जो कि व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन आपको दे रही है यहाँ पे। और यहीं आपको मिल जाता है हमारा स्प्लिट AC का प्रोविजन दोस्तों। कमाल की बात कि इस फ्लैट के अंदर सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली चीज जो है वो है हमारे फॉल सीलिंग डिजाइन, यानी कि इस फ्लैट के अंदर आपको फॉल सीलिंग डिजाइन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव मिलने वाले हैं। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा अटेंशन ग्रैब ये यहाँ पे कर रहे हैं। और यहीं से हमारा एक अटैच वॉशरूम मिल जाता है इस रूम के साथ। वॉशरूम के साइज की बात करूं, जो कॉमन वॉशरूम का साइज था 5x6, इसका भी 5x6 का साइज है। और यहां पर भी हमने हाई ग्लॉस विट्रीफाइड टाइल वॉल पे लगाई हुई है, सेम वही सैनिटरी आइटम्स, वही आपकी सीट, वही आपका वॉश बेसिन, क्वालिटी सेम आपको मिलती है यहाँ पे। और ये आप देखेंगे जो हमारे गेट पर हमने इस पे डोर पे जो लगाई हुई है माइका, हाई ग्लॉस माइका वुडन शेड में हमने यूज़ की हुई है दोस्तों। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि नीचे आप देख सकते हैं 2x2 की एंटी स्किड टाइल हमने लगाई है। एंटी स्किड टाइल में क्या होता है कि जब पानी यहाँ पे गिरा हुआ होता है तो आपके पैर फिसलने की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं रहती है, यानी कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम वॉशरूम के अंदर आपको नहीं आएगी दोस्तों। अब मैं आपको लेकर चलूंगा हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ, जो कि बालकनी से अटैच। तो अब हम चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ, लेकिन मैं चाहूंगा सेकंड बेडरूम में जाते जाते मैं आपको एक चीज बता दूं कि राइट वैल्यू प्रॉपर्टीज हमेशा से अपने क्लाइंट्स की, यानी कि कहते हैं ना क्लाइंट हैप्पीनेस इज आर फर्स्ट प्रायोरिटी, तो फिर हम अपने क्लाइंट के लिए हमेशा कोशिश करते हैं कि उनकी पसंद की चीज़ें लेकर आएँ। अगर आपकी रिक्वायरमेंट कोई और है, कुछ और है,
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अपनी नीड लिखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी सभी नीड्स को फुलफिल कर पाएं दोस्तों। और यहाँ से हमारी एंट्री होती है हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ दोस्तों। काफ़ी आलीशान बेडरूम, काफ़ी बेस्ट क्वालिटी की टाइलिंग वर्क, काफ़ी बेस्ट क्वालिटी की वुडन वर्क आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव इस रूम में जो है वो इसकी वार्डरोब है। काफ़ी बड़े साइज की वार्डरोब आपको यहाँ पे मिलती है। वुडन क्वालिटी और इसके जो बोर्ड्स की क्वालिटी की जिक्र मैं इस रूम में कर चुका हूँ, तो स्टोरेज की प्रॉब्लम आपको यहाँ नहीं आने वाली है। और नीचे आप देखेंगे तो हमने वुडन शेड की टाइल लगाई है, 8x48 साइज की टाइल है ये, जो कि काफ़ी अच्छा गेटअप दे रही है। और इस रूम के अगर साइज की बात करूं तो मैं 14x16 का ये रूम मिलता है आपको, यानी कि 14x16 के साइज में आपको ये बालकनी से अटैच रूम मिलता है। और सामने आपको मिलता है LED पैनल जो कि वुडन शेड में, वाइट और डार्क शेड की वुडन की माइका यहाँ पे लगाई गई है। कितने भी बड़े साइज का TV इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है इसमें। और यहाँ से आप देखेंगे तो UPVC विंडो, काफ़ी बड़े साइज की UPVC विंडो यहाँ पर लगाई हुई है। स्लाइडिंग विंडो है, यानी कि बारिश आए, तूफान आए, किसी तरह की प्रॉब्लम इस तरह की विंडोज़ में नहीं आती है। और लुक बहुत अच्छा होता है इनका। और ये काफ़ी बड़े साइज की UPVC विंडो लगाई गई है और यहाँ पे आपको सनलाइट की प्रॉब्लम नहीं आने वाली, यानी वेंटिलेशन की इस फ्लैट के अंदर किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप देखेंगे तो मेरे फेस पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है। और ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपको 3D वॉलपेपर मिलता है। वॉलपेपर का सिलेक्शन काफ़ी सोच समझ के किया गया है, काफ़ी बेस्ट क्वालिटी के वॉलपेपर यहाँ पे लगाए गए हैं। जब आप इस फ्लैट के अंदर आएंगे, जब आप विजिट करेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका दिल खुश हो जाने वाला है दोस्तों। फॉल सीलिंग के डिज़ाइंस इसमें भी आप देखेंगे तो अलग तरह का फॉल सीलिंग डिज़ाइन आपको देखने को मिल रहा होगा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत की गई है इस फ्लैट को बनाने में, काफ़ी ज़्यादा बारीकी से ध्यान दिया गया है, हर छोटी छोटी चीज़ पर ध्यान दिया गया है। किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ हम इस फ्लैट के अंदर कर रहे हैं दोस्तों, तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज क्यों करते हैं हमारे साथ। एक छोटा सा क्लिक करना होता है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, मोटिवेशन मिलती है। आने वाले टाइम में और बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। टच और कॉमन दोनों ही है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने अगर वॉशरूम के साइज की बात करूँ तो 5x8 का ये वॉशरूम है, यानी कि थोड़ा बड़ा है। बाकी जो दो वॉशरूम मैंने आपको दिखाए थे उनसे साइज में थोड़ा सा बड़ा है। और यहाँ पे आपको मिलता है कैबिनेट के साथ आपको टेबल टॉप वॉश बेसिन है। सैनिटरी आइटम्स की क्वालिटी की और ब्रांड की मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ, यानी कि जैगुआर फिटिंग्स की आपको सैनिटरी आइटम्स मिलने वाली हैं। यहाँ पर आपको वॉल माउंट सीट मिलती है, टॉयलेट सीट। और इसी के साथ ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर आप एक ग्लास का पार्टीशन दे सकते हैं, टफन ग्लास आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जिससे कि आपका वॉशिंग एरिया सेपरेट हो जाएगा, यानी कि आप अपने वॉशिंग एरिया शावर एरिया को आप सेपरेट कर सकते हैं ग्लास लगाकर। और टाइलिंग का कलर अगर आप देखेंगे तो डार्क ग्रे कलर यहाँ पे यूज हुआ है। ग्रे कलर इंग्लिश कलर होता है, काफ़ी अच्छा डिसेंट भी होता है और लुक बहुत प्यारा आता है। अब देखिए यहाँ से आपको एंट्री मिलती है आपके लिविंग रूम के अंदर, यानी कि ये आपको यहीं से लिविंग रूम, यानी कि हम आपको लेकर चलेंगे हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ दोस्तों, जो कि बालकनी से अटैच है। यहां से हमारी एंट्री हमारे थर्ड बेडरूम के अंदर होती है। थर्ड बेडरूम साइज में ये आपको 12x13 का बेडरूम आपको मिलता है। साइड में आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज़ का आपको ये विंडो भी आप इसे कह सकते हैं और डोर भी आप इसे कह सकते हैं। स्लाइडिंग डोर आपको मिलता है, यानी कि यहाँ से आपकी एंट्री आपकी बालकनी में हो जाती है। और ये इधर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़े साइज़ की वार्डरोब इसमें आपको मिलती है, यानी कि स्टोरेज की प्रॉब्लम इस फ्लैट के अंदर, इन रूम्स के अंदर आपको नहीं आने वाली है। और इधर सामने की तरफ आप देखेंगे तो डिज़ाइनर वॉल आपको मिलती है दोस्तों, 3D वॉलपेपर तीनों ही रूम के अंदर, यानी कि तीनों बेडरूम के अंदर और लिविंग रूम के अंदर 3D वॉलपेपर आपको मिलते हैं। फॉल सीलिंग डिज़ाइन हर रूम के अंदर डिफरेंट देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं कितना प्यारा फॉल सीलिंग डिज़ाइन है। और जब आप इसमें कॉब लाइट्स को देख रहे होंगे और सीलिंग लाइट्स को देख रहे होंगे तो ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो डिफरेंट शेड की वही विट्रीफाइड 2x4 की टाइलिंग वर्क हम यहाँ पे करके आपको दे रहे हैं दोस्तों। अब मैं आपको लेकर चलूँगा हमारी बालकनी की तरफ,
यहाँ से आप देखेंगे हमारी एंट्री होती है बालकनी में और यहाँ से हम आ जाते हैं अपनी बालकनी में। बालकनी व्यू कमाल का व्यू है। सोसाइटी के बारे में मैंने आपसे बात की थी, यानी लोकेलिटी का जिक्र मैंने आपसे किया था। काफ़ी अच्छी लोकेलिटी, काफ़ी अच्छी सोसाइटी आपको ये मिलने वाली है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा आसपास की लोकेलिटी, कितने अच्छे अच्छे घर यहाँ पे बने हुए हैं। रोड का जिक्र मैंने किया था, 25 से 30 फीट की वाइड रोड आपको यहाँ पे मिलती है और गेटेड सोसाइटी है। गार्ड बैठता है गेट पर, यानी कि आपके छोटे छोटे बच्चे जो रोड पे खेलेंगे तो किसी तरह की उनको दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि ट्रैफिक नहीं है किसी भी तरह का। शांत इलाका है, अच्छी लोकेलिटी है और ये आपको काफ़ी बड़ी बालकनी यहाँ पे मिल जाती है। टैब आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और ये आप देखेंगे तो रेलिंग स्टेनलेस स्टील बेस्ट क्वालिटी टफन ग्लास के साथ आपको मिलती है। ऐसा कोई पॉइंट जो मुझसे छूट गया है, जो मुझे इस विजिट के दौरान आपको बताना चाहिए था, वो मैं बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा दोस्तों। और रही बात इसके प्राइस की, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपको ये फ्लैट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, नई उमंग, नई एनर्जी, नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।